इधर आ रहे हैं फीजेंट्स, उनको कहते हैं ठीक है, ये निकाल के हम बाहर छोड़ेंगे। ओए 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 ये तो भाग गया, पकड़ो दूसरा। फेस्टिवल जो है ना अब तकरीबन 10 दिन का फेस्टिवल हमारा चलेगा। ओए 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 रिएक्शन चेक करो भाई, इसको जरा लेके जा रहे हैं। आराम से भाई आराम से पकड़ लो, इसको उड़ते हुए कोई पकड़ लो। काफ़ी खुश लग रहे हैं और ये हमारे स्टफ वगैरह सारे रखे हैं। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल तोते वाले में। भाई आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार आने वाली है क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि ईद आ रही है तो भाई हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है और ताकि जो हमारे विजिटर्स आएँ बहुत इंजॉय करें। तो भाई आज हम करने वाले हैं अपने पेटिंग ज़ू को साफ़, और ये हमारा पेटिंग ज़ू है, पेटिंग ज़ू की सफाई चल रही है और इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चेंजिंग ये करनी है कि ये आपको जो है सुरखाब नज़र आ रहे हैं फीजेंट्स, इनको कहते हैं ठीक है, ये निकाल के हम बाहर छोड़ेंगे। और बाहर वाले जो केज में आपने देखा होगा जिमी भाई के ब्लॉग में कि वहाँ पे रैबिट डाले थे जिनके बेबीज़ जो थे ना वो गायब हो गए थे, और एक पेयर हमारे पास ये फीजेंट का, तो फ़िलहाल हमने ये वाला जो है पेयर छोड़ना है वहाँ पर। और यहाँ पे जो है इनको जो है निकाल के इधर शिफ्ट करेंगे इस वाले केज में, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो हमारे पास डकलिंग है हमारे पास रूम में ब्रूडर के अंदर, अब वो काफ़ी बड़े हो गए तो उनको यहाँ पे छोड़ेंगे। और बाकी ये हमारे रैबिट्स का केज है और कुछ रैबिट्स यहाँ पर हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी सफाई का काम चल रहा है आज, और ये देखें फुल स्पीड से काम चल रहा है ताकि जो हमारे विजिटर्स आने वाले बहुत इंजॉय कर पाएँ। तो भाई आज आपने मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहना क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगी वीडियो। तो वीडियो को अभी से जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चले जी चलते हैं रैबिट्स। चलो भाई कहाँ लेके जा रहे हैं अभी आप हमें? रैबिट लेके आना है इधर से। अच्छा रैबिट लेके आते हैं और रैबिट्स को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और मैं आपको केज दिखाता हूँ जहाँ पर फिजेंट छोड़ने हैं। और ये हमारे रैकून का केज जो कि हमेशा अंदर ही पड़ा रहता है, बाहर बहुत कम आता है, अभी भी अंदर जनाब सोए हुए हैं। और ये हमारी जो है मुर्गियाँ हैं ठीक है, और अभी चलते हैं केज की तरफ। भाई ये रहा केज जहाँ पे रैबिट छोड़े हुए थे क्योंकि इनके बच्चे थे। अच्छा इनके अब्दुल्ला भाई इनके बच्चे कहाँ गए थे यार? ये देखें ये रहे हमारे हो गए थे, कोई बिल्ली वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आई है जो। अच्छा गायब कैसे हो गए? तो पिंजरा था ना यार, वो पिंजरा था, हमने 10 बजे तक दूध पिलाया इनके पास मेरे बच्चों को, ये जब आए ना ये केज खिलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार किसी तरह से गेट वगैरह खुल गया था और ये रैबिट्स हमारे जो है यहाँ पे छुप गए हैं। अभी इनको पकड़ के पेटिंग रूम में लेके जाते हैं और इंसिडेंट यहाँ पे छोड़ने, और फिर डकलिंग्स को वहाँ शिफ्ट करते हैं। ये देखें जी एक रैबिट जो है अब्दुल्ला भाई ने पकड़ लिया, इसको छोड़ दो, इसको बाद में सेट कर लेंगे, दूसरे वाले को पकड़ लो। ध्यान से ध्यान से। अच्छा यार इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनको पकड़ना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए अब्दुल्ला भाई को अभी कैसे भगाएगा ये, अरे बिना भगाए पकड़ लिया भाई। ओए 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 ये तो भाग गया, अबे पकड़ो दूसरा भी गए, अबे पकड़ भाई पकड़ पकड़ पकड़, अबे पकड़, अबे पकड़ ले, अबे पकड़ लो पकड़ लो घेर लो घेर लो, अरे अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया भाई, ये लिया ये पकड़ लिया। देखो अरे हाय आप भी आ गए। हाँ अच्छा जी ये देखिए अभी मंकी भी हमें देख के आ गए कि पता नहीं यहाँ पे क्या। रिएक्शन चेक करो भाई इसके, क्या हुआ, डरा देता है यार। तो चले जी चलते हैं इनको लेके, चलो अब्दुल्ला भाई आ जाओ आ जाओ यार आज। अच्छा भाई उनका मीटअप नहीं करवाओ यार, छोड़ दो आ जाओ। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करते हैं आपको, तो भाई वगैरह डेली खाना डाल दे। तो जी भाई रैबिट्स को लेके आ गए हम। अच्छा अभी रैबिट्स को क्या करेंगे कि इस वाले केज में छोड़ देते हैं, थोड़ी देर छोटा सा वो बनाया गेट। सही है सही है सही है। तो ये भाई दूसरा भी गया, अब चलते हैं अब दोबारा उसी केज में, उस केज को थोड़ा साफ़ करते हैं ताकि हम जो अपने फीजेंट्स ये वाले जो हैं बख्श भाई से पूछ के फिर इसे छोड़ेंगे। और दुम्बे यहाँ पे घास चारा दिन चरते रहते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा उसी केज में। अब्दुल्ला भाई बाल्टी लेके जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बाल्टी का क्या करना है वैसे? सफाई। अच्छा इसमें डालोगे कचरा, चलो जी ठीक है। अब्दुल्ला भाई कहाँ तक पहुँचा काम अपना? अच्छा जी तो ये हमारा जो है काम चल रहा है, ब्लॉक वगैरह उठा के अब्दुल्ला भाई एक जगह पर जमा कर रहे हैं। तो ये जी सफाइयाँ सफाइयाँ हो रही हैं, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सेट हो गया ठीक है। अब यहाँ से जो है निकल रहा है कचरा वगैरह निकल जाएगा, और फिर इसके बाद जो है हम इसमें पीजेंट ला के छोड़ेंगे। हमारा जो केज है प्रॉपर साफ़ हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक चीज़ जो है यहाँ पर
साफ सफाई हो चुकी है बहुत अच्छे से। और अब जो है घास वगैरह लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों को देखो, ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। आ जाओ, और ये इनका भागना चेक करें, बहुत जबरदस्त भाग रहे हैं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत क्यूट है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करती हैं इनकी। हमारे अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई, कहाँ घूम रहे हो? बस यही घूम रहे थे कि पहले आए थे तुम्हें हमारी तरफ, जब भी हम आते हैं ना अगर बाल्टी पकड़ लेती पानी की, मेरी तरफ भाग के आ जाते हैं। आपकी तरह आपसे प्यार करते हैं ना इसलिए। अभी पहले पिया नहीं, अभी इनको पीना देखना, अभी लाके रखो तो पीने शुरू हो गए। दोस्तों अभी डिसाइड ये हुआ है कि ये जो हमारे ये वाले फीसेंट है ना, ये जाएंगे उस वाले केज में और इनको जो है निकाल के इधर करते हैं ये वाले केज में। सबसे पहले इनको पकड़ते हैं। अब्दुल्ला भाई ने जो है ये डब्बा ले लिया है। ये डब्बा क्यों लिया है? फॉर द सेफ्टी रीज़न, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गए तो उड़ भी सकते हैं, तो इसलिए अब्दुल्ला भाई इनको इसके अंदर डाल के हम वहाँ तक लेके जाएंगे इस केज में से। हाँ ये आप अंदर जाओ, मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये निकल गए ना दोस्तों तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने बहुत सेफ्टी के साथ हमने इसको उस केज में शिफ्ट करना है। ये देखिए अब्दुल्ला भाई अभी कैसे पकड़ेंगे, और इनकी स्पीड चेक करें, इनको पता लग गया कि अब हमें पकड़ने लगे हैं। ये चेक करें, ए ए ए आय हाय आय हाय हाय आय हाय हाय, आराम से भाई आराम से पकड़ लो इसको, उड़ते हुए कोई पकड़ लो, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, आराम से इसकी टेल ना टूटे, बस यही इसकी खूबसूरती है। यार अब्दुल्ला भाई आप तो डर रहे हो। हाँ ये एक तो हाथ में आ गई, एक तो हाथ में आ गई, एक हाथ में आ गई, बस ध्यान से ध्यान। अरे 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 आराम से आराम से आराम से, इस वजह से मैं आराम से हाथ डाल रहा हूँ, इनके ये खराब हो जाए। चलो 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 चलो, एकदम से पकड़ लो। हाँ ऐसे दबा लो दबा लो। हाँ ये चीज़ तो भाई, ये हमारे फीजेंट जो है बहुत ही खूबसूरत है, देखें आवाज़ कैसी प्यारी निकाल रहा है। तो चलो भाई इसको छोड़ो वापस इसके बॉक्स में, ताकि हम इसको लेके जा पाएँ। आए हाय हाय, चलो चलो चलो, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ज़रूर कमेंट में लिखिएगा भाई, माशाल्लाह कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलें जी, ये जो है हमने बॉक्स में डालिए, इसका ये कुंडे बंद करो यार, सबसे पहले तो उधर वाला भी बंद करो, इधर वाला भी बंद करो, ताकि जो है आपको बाहर निकालूं। हमने अब्दुल्ला भाई को ही केज में ताला लगा दिया था। चलो जी आ जाओ, बहुत आराम से आना भाई, मुझे दे दो। चलो 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 आ जाओ। तो जी दोस्तों अब इसको लेके चलते हैं उस केज में और वहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं। ये ताला लगा दो यार, साधन यार आपने निकाला है ना, मैं उठा के लेके जाता हूँ इसको। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये हम जाएगी। तो जी दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा आगे किया है, और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक जो है जाली लगा दी है, ताकि मंकीज वगैरह का हाथ बाहर ना आए, ठीक है। और एक ये लगाई है, और अब्दुल्ला एक और इस तरह की लेने गया, ताकि हम जो ये वाला गैप आ रहा है ना, जिस पे मंकी का हाथ बाहर आ सकता है, ये देखें अभी, ये देखें मारने के लिए मुझे अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, तो हम इसको प्रॉपर कवर कर सकें, ताकि हमारे जब फीजेंट जो है इनके ऊपर बैठे इसके ऊपर, तो इनको कोई नुकसान ना दे। तो अब्दुल्ला आ जाता है, ये लगाते हैं, और उसके बाद इसका काम हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना बख्श भाई से मिल लें। बख्श भाई भी हमारे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्श भाई। सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत ठीक ठाक। और ये हमारे बिलाल भाई, ये डॉक्टर, कैसे हैं बिलाल भाई? बख्श भाई आपके जो है ना गैर मौजूदगी में थोड़ा बहुत काम किया है, तो आप एक बार जरा नज़र मार लेंगे तो मार लेंगे। नज़र मार लिए। अच्छा, और वो जो आपने बॉक्स टहले थी ना भाई, वैसे के वैसे रहने देना, और टायर जो है ना, टायर उस तरफ जो ना आपने लगा देना कोने में। कौन से वाले? केज के अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड? नहीं नहीं, अंदर के, अंदर के साइड पे सेंटर में रख देना दोनों पैर। ठीक है सर जी, चलते हैं अंदर, और बख्श भाई थोड़ी देर में भी आएंगे अंदर। तो जी दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है जाली लगा दिया, ये भी लगा दिया, ताकि इनके हाथ वाथ यहाँ से ना आएँ, और हमारे जो है फीजेंट्स बिल्कुल सेफ रहें। तो अब क्या करेंगे, इनको निकालते हैं और फिर इनको यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये अब्दुल्ला भाई निकाल रहे हैं। मुझसे नहीं निकलेंगे आप? क्यों भाई, तुझसे क्यों नहीं निकल रहे? अरे भाई ध्यान से मैं खुद निकालता हूँ। चलो तो भाई मैं इनको खुद निकालता हूँ अपने हाथ से, तब तक आप ऐसा करो कैमरा पकड़ो। चलें जी मैं इसको निकाल रहा हूँ, और इसको भी हमने पकड़ लिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फीमेल पहले से निकल गई थी, और ये हमारे हाथ में मेल है, तो अब इसको भी हम जो है थोड़ा सुधर करके आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से गेट है, हमने यहाँ से बाहर भी जाना है। तो भाई ये हम चलो चलो चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये अपने नए घर में जो है आकर खुश हो गए। सामने बंदर चेक करो। हाँ
तो जी ये हमारे फिजेंट जो हैं अपनी जगह का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं। दूसरा ये देखें मंकी भी यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ पे कौन आ गए, तो इसलिए हमने जो है सेफ्टी प्रॉपर की प्रॉपर कर दी है। ये देखें ये ऊपर भी जाली लगा दी है और यहाँ पे भी हमने इसको मजबूत कर दिया। और इसके काम चेक करो, ये यहाँ पे जो बांधी है हमने इसको दांतों से काट लिया। तो जी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे फिजेंट्स जो हैं इधर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। और ये दाना पानी भी हमने इनका रख दिया, ठीक है। और इनके इनक्लोजर भी बना दिए, छोटे से टायर वगैरह रख दिए और वो इनकी छुपने की जगह बना दिए ताकि अगर ये छुपना चाहें तो इसमें जाके छुप सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी। और मंकीज के लिए हमने क्या किया कि पीछे जो हमने नेट जाली वगैरह लगा दी थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ, चलते हैं बैटिंग जूम में और वहाँ देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर डकलिंग को भी शिफ्ट करना है। तो चले वहाँ पर चलते हैं। तो जी हम जो है बैटिंग जूम में आ गए हैं और अब ये वाला केस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये हो गया है खाली। तो हम सोच रहे हैं कि इसको निकाल के जो है इधर शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पे जो हमारे पास डकलिंग है उनको ला के रख दिया जाए। चलो एहतियात से निकालना, बहुत था मैं आपके साथ ही हूँ। चलो तो जी ये जो है अब्दुल्ला भाई ने मेल फीजेंट को पकड़ लिया है, ठीक है। इसकी खूबसूरती चेक करें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें इसका हेड चेक करें, इतना खूबसूरत है दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। ये चेक करें, तो चलो भाई इसको डालो जल्दी से यार, इसकी टेल वगैरह ना ख़राब हो जाए। चलें तो अब बारी है फीमेल की, पकड़ लोगे ना? हाँ आ गई ये भी हाथ में आ गई। चलो जी बहुत एहतियात से यार। मैं तो कहता हूँ उसको डब्बे में ही लेके चलते हैं, इसको ऐसे लेके चलते। पकड़ लोगे? छोटे की तो नहीं आँच से? आ जाओ बहुत एहतियात से भाई, ओए ध्यान से। ये देखा ना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बहुत आराम आराम से। आ जाओ। ये केज का गेट खोलूँ मैं जब तक। चलो। ए ओ गई। चलो दूसरा पकड़ के ले। तो जी ये जो है दूसरा भी अब्दुल्ला ने हाथ में ही पकड़ के बोल रहा है ऐसे ही डाल देते हैं, तो भाई आ जाओ। चलो जी। चलो आराम से ध्यान से, फीमेल ना निकल जाए यार, ये बहुत एहतियात से। और ये गया। चलो जी इसका यहाँ पे दाना पानी कर दो अब्दुल्ला भाई, और फिर चलते हैं डकलिंग की तरफ। अभी आ गए डकलिंग्स की तरफ और ये देख सकते हैं यार डकलिंग्स जो है ना अपना केज बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, इस वजह से जो है ना हमने इनको बाहर निकाल के इधर शिफ्ट कर रहे हैं। रीज़न यही है, देख रहे हैं अब रोज़ साफ होते हैं मगर फिर भी हर रोज़ गंदा कर देते हैं। तो अब क्योंकि ये बड़े भी हो गए हैं, अब ये सर्वाइव कर लेंगे, तो अब हम इनको जो है उस बॉक्स में डाल के उस वाले पैकिंग रूम में शिफ्ट कर रहे हैं आराम से यार, आराम से। ये देखें सारे के सारे इधर आ रहे हैं भाई, ये सारे के सारे आ गए इसमें और अब हम इनको ले कर चलते हैं। तो जी दोस्तों हम आ गए हैं अपने पैकिंग रूम के अंदर और जो है अब्दुल्ला भाई इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और इसके अंदर हैं बच्चे, फिर अभी शिफ्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनको जो है बड़ी जगह में छोड़ दिया है ताकि अब जो है ना सारे उठा लो यार, दोनों हाथों से उठा लो। मैं थोड़ा इसको आगे कर देते हैं, सारे के सारे गए भाई। चलो और ये बड़े केज में आकर देखें काफ़ी खुश लग रहे हैं। आपने कमेंट में बताना है कि क्या हमने इनको बड़े केज में डालकर सही किया या नहीं किया। तो चले जी अब चलते हैं दूसरी काम की तरफ अब्दुल्ला भाई। अच्छा जाते जाते ना एक चीज़ मुझे नज़र आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। ये देखें जैसे ही बाहर आए ना, ये देखें कितने मज़े से खुश हो के, ये चेक करें, मैं आपको कोशिश करता हूँ नीचे से नज़र आए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बाहर आते ही कितना खुश हैं। अच्छा जी तो जो है हम अपने तीसरे काम की तरफ जा रहे थे म्यूज़ियम में, लेकिन उससे पहले मैं सोचा आपको फिर से बख्श भाई के साथ मिलवा दूँ क्योंकि वो आपको डिटेल से समझा देगा क्योंकि ईद का हमारा फेस्टिवल होने वाला है। तो बख्श भाई आपको बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलेक्जर ज़ू। अलेक्जर ज़ू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ईद फेस्टिवल जो है ना अब तकरीबन 10 दिन का फेस्टिवल हमारा चलेगा इसमें, जिसमें फर्स्ट डे से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हमारा टाइमिंग होगा 3 बजे से रात 9 बजे तक, जिसमें झूले होंगे बच्चों के लिए, स्टॉल होंगे खाने पीने के, और हमारा उसके अंदर एनिमल शो होता है जिसके अंदर रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल के साथ आप पिक्चर करवा सकते हैं। तो एड्रेस हमारा जो है ना वो है के इलेक्ट्रिक का ऑफिस, ब्लॉक जी नॉर्थ नाजमाबाद में, के इलेक्ट्रिक का ऑफिस और जिम खाना के सेंटर में अलेक्जर स्कूल, वहाँ से हमारी एंट्री होती है। 3 बजे आपका हम इंतज़ार करेंगे, मिलते हैं ईद पे, अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों चलते हैं हम अपने काम की तरफ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एड्रेस भी भाई नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जी में है,
तो जल्दी से आइए और मज़े कीजिए अपने म्यूज़ियम में। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से इंटर होते हैं तो भाई ये सारा काम चल रहा है। अब्दुल्ला भाई पहले ही आ गए थे क्योंकि उनको मैंने बोला था आप जाओ, मैं बख्श भाई के पास जा रहा हूँ। और ये हमारे स्टाफ वगैरह सारे रखे हुए। अच्छा, अब इधर क्या करना है हमने, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं, रिजवान भाई लेके बैठे, रिजवान भाई ज़रा दिखाना। ये सारे इनके जो है ना स्टफ्स के नाम लिखे हुए, ठीक है, लामा, अल्पाका और ये सारे मार्श क्रोकोडाइल बेबी, ये सारे जो है ना, ये अभी सारी सेटिंग होगी, अभी सफाई वगैरह हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें आगे पीछे की हैं। अब भी जो है मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगा जब ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम ये टैग्स लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत लग रही है, दूसरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो, सही है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, ये ज़रा सफाई वगैरह हो जाए उसके बाद। फाइनली जो है हमारा म्यूज़ियम रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बहुत मेहनत लगी है जो है इसको रेडी करने में, सारी सफाई वगैरह करवाने के बाद, टैग लगाने में, सारी चीज़ें सेटल डाउन करने में। तो ये देखिए जी, ये हमारे मकाओ आ गया ब्लू एंड गोल्ड, और ये नीचे सारे ये टैग्स लगाए गए हैं ताकि जब कोई भी विजिटर आए तो ये नाम के साथ उसको पता चले कि भाई ये एनिमल है। ये देखें, ये प्रॉपर हमने जो है ना इसका सेटिंग की है। ये देखें, ये स्नैक है, रेड टेल बोवा पाइथन है, ठीक है, ये मार्श क्रोकोडाइल बेबी है, मंगाबी है, ठीक है, ये ब्लैक क्रिस्टेड मंगाबी, हॉक डियर, रेबिन ओरिक्स, और ये सारे हॉर्न वगैरह जो हमने सींग वगैरह जो होते हैं ये सारे लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन से जो है डियर के सींग हैं। देखें, ये हॉक डियर के सींग हैं, ये चीतल डियर के सींग हैं, और ये हैं रेड डियर के सींग, और ये हैं फैलो डियर के सींग, ठीक है दोस्तों। और ये रही बाकी ये वाली साइड, तो ये देखें यहाँ पर भी सारी हमने टैगिंग वगैरह की है। ये देखें सारे टैग्स वगैरह, इवन के जो है ऑस्ट्रिच के शेल के ऊपर भी हमने ये देखें ऑस्ट्रिच एग शेल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आज रेडी कर दी हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक और चीज़ भाई कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दें और जो है वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।